उदास का एको है तू? भूख लग रही है क्या? माटी तो जब तक बनेगी नहीं कैसे दूं मैं आपको? बनने के बाद ही दूंगा ना क्या भी? हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मन किड्स लिटिल वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज बनाने जा रहे हैं स्पेशली राजस्थानी बाफला बाटी, दाल के साथ बनाएंगे। अब उसकी रेसिपी बनाऊंगा मैं, वन एंड ओनली मैं। तो अभी ठंड पड़ रही है बहुत गंदी वाली, दीदी कर रही है घर पे चिट चैट, और अभी वीडियो कॉल करते अच्छा तो उसे कहते हैं वही बात। मैंने भी अभी बाफला बाटी के लिए मम्मी को फोन लगाया पूछे मम्मी से, उसके बाद ही मैं बनाने जा रहा हूँ। वैसे यूट्यूब पे मैंने देखी थी बहुत सारी वीडियोस, मैं पता नहीं क्या क्या डाल रहे थे, लेकिन मम्मी को मैंने बोला मम्मी देसी तरीका बताओ अपने घर पे इजी वे में जिसमें ज्यादा जरूरत नहीं पड़े बाफला बाटी के लिए। तो मम्मी ने मुझे वो तरीका बताया, अब वो तरीके से मैं बाफला बाटी बनाने जा रहा हूँ। अभी मेरा टेम्पर ग्लास फोन का सही नहीं लगा हुआ, इसलिए ऊपर कोने में आपको थोड़ा सा सही नहीं लग रहा हो, तो थोड़ा सा मैनेज कर लेना, मैं कल तक इसको सही करवा दूंगा। चलो देखो, अब ये आज अमृतसर से मम्मी ने भेजी स्पेशली मानसी के लिए, ये गरम करने वाली क्या कहते हैं इसको पंजाबी में, अंगीठी कहते हैं इसको, गारे की बनी हुई है। कंजूसे की है, दो तीन तीन कोयले रखी है इसमें, पूरे को भरते हैं मैडम, इसको जॉब कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन साथ साथ इसको भरो भी तो सही। अब इसमें थोड़े से कोयले और लेके आता हूँ मानसी, कितने कोयले लेके आऊँ? दरवाजा खोलते देखिए, लुक हूज हियर। कोयले उठाएंगे, कोयले रखेंगे हम यहाँ पे, बटन चालू करेंगे ड्रायर का, रख दिए हैं कोयले भर के पूरे, ताकि पूरा रूम गरम हो जाएगा। जिस हिसाब से हम कोयले जला रहे हैं तो दो दिन में खत्म हो जाएंगे, लेकिन दो कोयले से गर्माश भी तो नहीं ना होगी यार। अमीर है, 40 रुपए की कोयले तो और लेंगे, कोयले में क्या है यार, कोयले में कोई कंजूसी नहीं भाई, गरम हो बढ़िया। तो भी आश्रय सही करने जा रहा है अपना टेम्पर, दो ऊपर नीचे हो गया था, तो ये जो शूट है ये हो रहा है बढ़िया वाले कैमरे से। Yes. अब आश्रय लगाने जा रहा है इस पर, टेम्पर सेट करने जा रहा है अपने फोन पे, ताकि इससे बढ़िया क्वालिटी आए। इसको पता था मैं क्या कर सकते हैं। ओ यार तू यार, मैं कितना साफ करता है, तू तू करता सारा कुछ यार। चार्जर प्लेट ये कहाँ है? वो चार्जर वो फोन मैंने रखा है, तो मैं कैबिन के अंदर एंजॉय, शी इज वेरी स्मार्ट। क्यों मंदी, एक मिनट क्या, अब जोर से मत बोल ठीक है, मैं बोल ठीक है। इसके पहले पता है आपके सॉक्स लगा रखा था, इस बार तुम्हें पकड़ा गया है यार। आप चोर हो, मैं चोर नहीं। आटा जितना आप खाते हो आपको पता ही होगा, जितने लोगों के लिए बनाने उस हिसाब से आटा ले लेना। इसमें लगेगी राई नहीं यार, मैं अजवाइन उठा के बोल रहा हूँ, राई नहीं, ये अजवाइन ही डाल दी अपन ने, ये हो गया जीरा। वो नमक वाला बात कर दो ना, जितना आप नमक खाते हो उतना नमक डाल देना। मैंने इसमें आधी चम्मच नमक डाल दिया है, थोड़ी सी जरा सी हल्दी, थोड़ा सा घी, एक चम्मच घी मान लेना, अंदाजे से डाला मैंने। तो थोड़ा सा डालेंगे बेकिंग सोडा, अंदाजे से जितना आपको लगता है कि हाँ डालना चाहिए। एक मिनट, कुकर की सीटी आपकी आवाज आ जाएगी? नहीं आएगी। फिर शाबाश, अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं एक बार। अब इसमें डालेंगे अपन पानी, अब जितना आटे को गूंदने के लिए पानी लगता है उतना पानी डाल देना आप लोग। तो अभी ये आटा पूरा रेडी हो गया बनके, और इसमें से अब बाफला बाटी वाली खुशबू भी आने लगी। सुनो भाई कैमरा, आटे को ना ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना, ज्यादा हार्ड भी नहीं रखना, इतना इतना रखना आटे को। अपन चाहे ना तो बाफला बाटी को अपन इसमें भी सेक सकते हैं, लेकिन अपन करेंगे नहीं ऐसा। चलो बाफला बाटी बनाने के लिए आटे को थोड़ी देर मैंने रख दिया 15-20 मिनट के लिए, ताकि वो अपने हिसाब से सेटल हो जाएगा। तो अब ये आटा सेटल हो गया है थोड़ा, तो एक बार और हाथ मार लेते हैं आटे पे, आटे के पेड़े बनाएंगे बाटियों के साइज के, ज्यादा बड़े बनाने नहीं क्योंकि अपना इडली का कुकर थोड़ा छोटा है। पेड़े बनाने का सबसे अच्छा तरीका वो होता है कि पेड़े के अंदर ना पूरा गोल हो, उसके अंदर जैसे जैसे अभी ये लाइनिंग दिख रही ना, ये लाइन जैसे लाइन्स नहीं हो, पूरा इस तरह से गोल हो। बिल्कुल गोल है ना, तो ये स्टीम वाली प्लेट है, इसको अपन इसमें रख देंगे ताकि ये सेटल हो जाएगी। थोड़ा सा इनमें तेल लगा के रखेंगे। क्या हुआ कैविन, क्या कर रहा है?
उदास काहे को है तू? भूख लग रही है क्या? माटी तो जब तक बनेगी नहीं कैसे दूं मैं आपको? बनने के बाद ही दूंगा ना कैमी। तो ये रहा अपना इडली वाला कुकर, तो थोड़ा सा पानी भर लेंगे अपना, ठीक है, लगा देंगे अपन तेल। अभी गैस पे पानी गर्म हो रहा है, अभी हल्का हल्का गर्म हो गया है। इसको अपन छोड़ देंगे अप्रोक्सीमेट फुल आंच पे 15 मिनट के लिए, 15 मिनट बाद मिलते हैं। अब ये मानसी ने दाल उबाल दी है इसमें ब्लैक वाली, तो अब मैं इसमें बस तड़का लगा रहा हूँ ताकि दाल पूरा फ्लेवर आ जाए। जैसा कि आप देख रहे हो बाटियां बन गई पूरी अच्छे से, बनने का मतलब ये देखो जैसे फट गई नहीं है बाटियां, इसका मतलब ये पूरी अच्छे से पक गई है। अच्छा आप इनको ऐसे भी खा सकते हो लेकिन फिर भी अपन अच्छे से पकाएंगे। ये आ गया बाटियों वाला कुकर, पहले ये छोटी छोटी थी, अभी देखो कितनी बड़ी बड़ी होगी, साइज में डबल हो गई ना। थोड़ा सा गर्म हो जाए फिर इसका अंदर रख देते हैं। अभी ज्यादा देर लगेगी नहीं इनको पकने में, 2 मिनट में पक जाएगी। इसके अंदर स्टफिंग क्या किया मैंने, इसमें मिस कर दिया। अगर आप मिस कर दीजिए, देखिए हमारा कल का ब्लॉग। मुझे तो आपने बता दीजिए। इसमें देखो डाला है थोड़ा सा बेकिंग सोडा। स्टफिंग मतलब दीदी पूछ रहे हैं आप, आलू चीज? नहीं अभी आलू चीज वाली नहीं बनेगी। कुछ भी नहीं है, ये आटा ही है बस। बस आटा नहीं है भाई, इसमें नमक है, हल्दी है, अजवाइन है, जीरा है। देना भी खाना बना नहीं, देखो खाना लेने लोग बाग अभी आई गए गरीब लोग। कोई नहीं बेटा, सबको मिलेगा, कोई चक्कर नहीं। दीदी पहले राजमा चावल लेंगी फिर उसके बाद ये क्या ये मैं ऐसे ही खाती हूँ सेंटर में डाल के। ये दीदी ने यमी यमी से राजमा राइस बनाए हैं, कौन सा वाला वो? बस कोई भी हो जाए। दाल पूरी रेडी है अपनी ब्लैक, अपन इसको बीच बीच में कवर हटा हटा के बाटियों को पलटा है इधर उधर ताकि ये सिक जाए अच्छे से। अभी ये बाटियां पूरी अच्छी तरह से सिक गई है क्योंकि अंदर से तो पहले ये स्टीम के थ्रू पक गई थी, बाहर बाहर से ये हल्की सी इनको पका दिया थोड़ा ताकि क्रंच बन जाए। बाकी बाटियां पहले भी बन चुकी थी, इनके अंदर घी डालेंगे, सर्व करेंगे और खाऊंगा। Are you excited to eat दाल बाटी? Yes. And especially बाफला बाटी? Oh yes. थोड़ा सा जैसे तोड़ देंगे, जैसे कि दीदी लोग ज्यादा घी खाते नहीं है तो अपन इसको बाटी रेडी है बिल्कुल, तो गरम गरम ही खाओगे ना। आपको क्या चाहिए? कैवी को भी खिलाएंगे बाटी, टेंशन मत ले कैवी। हाँ कैवी बाटी, आपको पता है कैवी बाटी खाता बहुत खुश होकर, बहुत अच्छी लगती है इसको क्योंकि घी में होती नहीं है, गरम तो है ही। बढ़िया, सच में बोल रहे हो या ऐसे ही? सच्ची वाला। हाँ बाटी से नहीं जिस जितना आपको खाना है उस हिसाब से। मानसी जा रही दीदी, टेस्ट करूंगी दीदी का, टेस्ट करूंगी दीदी ले गई। आप भी खाओगे क्या? क्या आपको अलग दूंगा, मैं अलग दूंगा, रुक जाओ आप। मेरे हिसाब से ठीक ही होना, फिर मेरे साथ टेस्ट करोगे या अलग? तो मैं तो चूरूंगा, चूर के खाऊंगा, आप खाओगे वैसे? एक बाटी अलग से रख देना घी लगा के मेरे और कैवी। घी लगा के रखूं? मतलब घी लगा के दे देना मेरे और कैवी। बताओ आप कौन सी, आप बताओ कौन सी बाटी लोगे? छोटी वाली, ये वाली दे दो मेरे को, कैविन को। घी ज्यादा नहीं भरना, कम ही लगाना। बस तो मैं सोच रही हूँ खुद कम करोगे आप, तो कितना सारा डाल दिया यार। क्या खुशबू आ रही है ना? पर वहाँ पे तो खाने में बाफला बाटी मिलती है ना, ऐसा अगर कोई आता ना बाटी 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 ऐसे टूटी हुई होती है घी में, इतनी रखो ऐसे रखो। घी कम लगाया है मैंने, लेकिन वहाँ पे तो राजस्थान में तो बहुत खाते हैं बाटी पे, किस तरह से घी खाते हैं ना, तो ऊपर आई बटन पे एक बटन मतलब एक वीडियो आएगी वो देखना, मतलब वो प्रॉपर राजस्थानी स्टाइल में। एक बार मानसर हम लोग गए थे वहाँ पे, खाया था हम लोगों ने। अभी नींबू दीदी
दादी ने तो डाले ही नहीं। भैया ने नींबू तो डाला ही नहीं यार। मतलब खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। मतलब पेट के साथ साथ ना मन भरता है। खाओ अभी, खाओ जल्दी खाओ, चलो मेरे को भूख लग रही है। अभी भी मेरे अंदर वो लेवल नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके आसपास मैं पहुंच गया हूँ, क्योंकि मैंने भी फर्स्ट टाइम बनाई है। थैंक यू सो मच माँ, आपकी वजह से आज बाफला बाटी खा रहा हूँ। उन लोगों के भरोसे रह जाता जो हमें बता रहे थे वीडियोस के माध्यम से कि राजस्थानी बाटी किस तरह से बनाई जाती है, लेकिन ये मानसी फर्स्ट टाइम राजस्थानी स्टाइल प्याज के साथ खाएगी। ठंडी है, खाओ। है ना, खाओ। केवी आपके भी, ये केवी को देखो ऐसे झांक रहा। भाई तेरे को भी दे रहा हूँ, रुक जा दो मिनट। केवी की फेवरेट बाटी। तो मैं इसी के साथ व्लॉग को एंड कर रही हूँ यहीं पे, क्योंकि आज के लिए बहुत हो गया। मिलते हैं आपको अगले व्लॉग के साथ। मेरी एनर्जी थोड़ी सी लो है आज, इसलिए मैं व्लॉग में भी नहीं आई हूँ। टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। बाय बोलो।